Mr. Manoj Sinha, please proceed. My Lord, मेरे client Mr. Sudhakar हर साल 5 female organization को 10 करोड़ का चंदा देते हैं। इतने नेक दिल इंसान, जरा आप ही बताइए किस तरह एक कुंवारी लड़की का बलात्कार कर सकते हैं? I object, my Lord. Objection overruled. Thank you, my Lord. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरे client पे लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद और झूठे हैं. This is the point I want to make, my Lord. Thank you. Mr. Tyagi, your take. Sir, मैं Miss Priya को victim box में बुलाना चाहूँगा. Miss Priya, please come to the witness box. मिस प्रिया, क्या आप बताना चाहेंगी कि उस रात आपके साथ क्या हुआ था? उस रात मल्होत्रा सर ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी. मिस प्रिया, आपके साथ जो भी हुआ वो बहुत ही दर्दनाक है. हमारी पूरी सहानुभूति है आपके साथ. सर, इस देश में एक तरफ तो हम स्त्री को देवी बताकर उनकी पूजा करने की बातें करते हैं, पर हकीकत ये है कि हम उन्हें अपने पैरों की जूती समझते हैं. आई एम सॉरी टू से दिस सर, पर फैक्ट ये है कि इस देश में लड़कियों को पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक अपने आप को हर पल मर्दों की नजरों से बचाकर रखना पड़ता है. इस देश में उनका हर पल किसी ना किसी रूप से बलात्कार होता रहा है. आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड, वी आर नॉट हेयर टू नो द स्टेटस एंड कंडीशन ऑफ इंडियन वुमेन इन जनरल, बट टू हेयर द सीरियस चार्जेस इम्पोज्ड अपॉन माय क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा. सर, इट्स अ सीरियस क्राइम. And unless and until हम इस देश के पुरुषों की मानसिकता नहीं जानेंगे, हम इस केस के साथ जस्टिस नहीं कर सकते. Objection overruled. You can carry on, Mr. Tyagi. सर, इस देश में हर स्त्री के साथ हर पल हर क्षण हर स्थान पर विभिन्न तरीकों से बलात्कार होता आ रहा है. ऑफिस में काम करते वक्त कोवर्कर या सीनियर का फ्लटिश बिहेवियर, सोशल मीडिया पर वल्गर कमेंट्स, अननोन लोगों के चीप व्हाट्सएप मैसेजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ना जाने ऐसे कितने तरीके हैं जिनके द्वारा स्त्री का हर रोज बलात्कार होता आ रहा है. ऐसी स्थिति में जहां हर कोई गुनहगार हो, ऐसे में एक लड़की किस किस पर केस दर्ज करेगी? सर, मेरी क्लाइंट मिस प्रिया की हिम्मत की दाद देनी होगी, जिसने इतना करेज दिखाया कि वो खामोश नहीं रहेगी और बोलेगी, चाहे उसे कितना भी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े. सर, मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट मेड हर फाइल अ चार्ज अगेंस्ट मिस्टर मल्होत्रा? सर, मैं मिस्टर मल्होत्रा को 3 साल से जानती थी. शुरू शुरू में वो बहुत ही अच्छे इंसान थे. ही वॉज क्वाइट नाइस टू मी. वो वुमेन इक्वल राइट्स के बारे में बात करते थे. वो कहते थे कि वुमेन आर पावर विद द मैन. सोसाइटी तभी आगे बढ़ सकती है अगर हर एक स्त्री को इस देश में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. अगर इस देश में माँ एडुकेटेड नहीं होगी तो उस देश का बच्चा कैसे एडुकेटेड हो सकता है? आपकी बातों से लगता है कि मिस्टर मल्होत्रा औरतों के साथ काफी अच्छे थे. ऐसे में आप रेप का सीरियस एलिगेशन का चार्ज उन पर कैसे लगा सकती हैं? क्योंकि अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा वो उनका बाहरी रूप है, इसे सारी दुनिया जानती है. पर असल में अंदर से वो एक जानवर, एक खूनखार जानवर है, एक दरिंदा है. मिस्टर मल्होत्रा हैज प्लेड विद मेनी गर्ल्स हिज लाइफ इन हिज ऑर्गेनाइजेशन. वो शुरू शुरू में मेरे साथ भी काफ़ी काइंड थे. उन्होंने हमेशा मेरे सामने अपनी क्लीन इमेज बनाए रखी. आई वॉज इन ए फाइनेंशियल मैस व्हेन आई जॉइन हिज ऑर्गेनाइजेशन. और मिस्टर मल्होत्रा को जब मेरे फाइनेंशियल स्थिति के बारे में पता चला तो उन्हें अच्छा मौका मिल गया मुझे एक्सप्लॉइट करने का. He even told me to work overtime to make some extra money. और मुझे रुपयों की काफ़ी ज़रूरत थी तो मैंने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था. क्या जॉब की इनकम आपके लिए काफ़ी नहीं थी कि आपको ओवरटाइम करना पड़ा? नो सर, मेरी फैमिली में मेरे अलावा कोई कमाने वाला नहीं है. माई डैड इज सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस सिंस लास्ट 1 ईयर. मुझे पूरे सारे घर का और मेरे छोटे भाई के स्कूल का खर्च संभालना पड़ता है.
मिस्टर मल्होत्रा ने बातों बातों में मेरे से ये सब जान लिया और वो काफ़ी कंसर्न दिखाते थे. ही वॉज लाइक ए फादर फिगर फॉर मी. मुझे लगा कि वो एक काइंड हार्टेड पर्सन है और मेरे सच्चे दिल से मदद करना चाहते हैं. बट दैट वॉज नॉट ट्रू. One day when no one was in the office, he... Relax, Miss Priya. He told me that agar tum mujhe khush kar do to main tumhari family ki sari problems solve kar dunga. Phir aap agree ho gayi? Obviously not. I resisted. Maine kaha aap aise baatein kaise kar sakte? I'm like a daughter to you. Phir unhone kya kaha? उन्होंने कहा कि क्या आउटडेटेड बात कर रहे हो. यू मेक मी हैप्पी एंड आई मेक यू लोडेड विद मनी. फिर वो मुझे ज़बरदस्ती छूने लगे. मैंने रेजिस्ट किया तो ही केम मोर फोर्सफुली टुवर्ड्स मी. गुस्से में आकर मैंने उन्हें जोर का धक्का दे दिया. नहीं फेल डाउन ऑन द फ्लोर. और फिर वो गुस्से में उठे एंड He became more violent. He forced on me. I protested. I pushed him and I couldn't save myself. And the power of men took away the dignity of a woman. Miss Priya ke hath par gaur karne se aaj ki meeting 22 June ki jati hai.